पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। फाइव स्टार होटलों के बच्चे कहेंगे, हेलीकॉप्टर में चलने वाले कहेंगे, तो फिर उसका जवाब वैसी ही भाषा में दिया जाएगा। ये बात बड़ी मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ। नमस्कार, के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मेरे साथ दिग्विजय चौटाला जी मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो सत्ता में आने के बाद पहली बार आप डबवाले में आए हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम आपको। सत्ता, बहुत धन्यवाद। सत्ता नहीं, ये तो जिम्मेवारी इस इलाके की जो है और बखूबी अब हमें निभानी है। पहले भी निभा रहे थे, और ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। लोगों की उम्मीद अब और ज़्यादा होगी और उस पर खरा उतारना। दिग्विजय जी, अगर डबवाली शहर की बात करूं तो जब लोकसभा चुनाव थे तब भी आपने कुछ एक वायदे किए थे कि एक तो जो बस स्टैंड के साथ वाला बाजार है उसमें लोगों काम जो जो हमने कहे थे अब वो पूरे करने का सही समय आ गया। सर, दो सवाल और करूंगा आपसे मैं। एक तो जो पन्नीवाला मोटा कॉलेज है उसका मामला बहुत ज़्यादा दुष्यंत जी के संज्ञान में है। उस पर दुष्यंत जी ने कमेटी की मीटिंग के अंदर भी, विधानसभा में भी और सेक्रेटरीएट में भी चर्चा शुरू कर दी है। उस पर जल्दी कोई ना कोई फैसला ले। चौधरी रणजीत सिंह जी आदित्य देवीलाल की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के और आप उनके साथ गठबंधन की सरकार में। हम चौधरी रणजीत सिंह के साथ सरकार के अंदर, वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, दुष्यंत उप मुख्यमंत्री हैं, तो दुष्यंत के साथ अब उन्हें मिलजुल करके काम करना है और मिलजुल करके काम करेंगे तो मिलजुल करके चलेंगे, और अगर मिलजुल करके नहीं करेंगे जैसा उनका रवैया था, उनने आकर के जो बातें कही, फिर उसका खामियाजा उन्हें निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपना बड़ा मानते हैं, मगर इतनी इज्जत हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो हमें भी दें अपना बच्चा मान कर। वो हमें फाइव स्टार होटलों के बच्चे कहेंगे, हेलीकॉप्टर में चलने वाले कहेंगे, तो फिर उसका जवाब वैसी ही भाषा में दिया जाएगा। ये बात बड़ी मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ। सर, अगर बात करें तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास पॉलिसी? 70% आरक्षण का जो वादा, सबसे बड़ा वादा हरियाणा की व्यवस्था को, युवाओं की रोजगार की व्यवस्था को जो मूल जड़ से बदलने वाला जो जो बात है, जो बात बुनियाद दुष्यंत जी ने कही है, उसके लिए दुष्यंत जी उसकी जमीन कैसे बनानी है उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। 6 महीने सरकार चलने की बात कही जा रही है सर। विपक्ष का तो काम ही कुछ नहीं। विपक्ष तो रोज ये कह रहा है कि इनके MLA नहीं रहेंगे, इनका ये नहीं रहेगा। विपक्ष का काम वो है, वो विपक्ष कहता रहेगा। अब हम जिम्मेवारी हमारे को मिली हरियाणा की जनता द्वारा दी गई है, अब उसको हमें निभाना, वो हमारा काम है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए।